हमारी फिल्म है, हिंदी फिल्म है रजनीकांत, और उसका ये एक लव मेकिंग सॉन्ग है, एक रॉन्ची सॉन्ग है जिसमें मैं हूँ और शब्बीर अली जी हैं। ये स्टोरी ऐसा है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है मलिक पंख्या, और शब्बीर अली जो हैं वो एक कॉप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वेंकटेश नायडू को। तो ऐसा है कि जैसे आई एम प्रोस्टिट्यूट, तो आई एम हिज फेवरेट एंड ही इज़ माई फेवरेट। तो ये एक ऐसा सॉन्ग है रॉन्ची जो बहुत ही हॉट तरीके से अभी फिल्माया जाएगा, होपफुली अच्छा ही निकलेगा, आप लोगों को पसंद ही आएगा। नहीं, एक्चुअली द थिंग इज, इस फिल्म के अंदर जो मेरा कैरेक्टर एक प्रोस्टिट्यूट का नाम मलिका है और प्रोस्टिट्यूट है वो, और जब नायडू उनके पास आते हैं तो उनके हाथ में 5 करोड़ हार्ड कैश है एक बैग के, जो बच्चन साहब ने दिया हुआ है, आई मीन जो शक्ति कपूर जी प्ले कर रहे हैं वो उन्होंने दिया हुआ है। और मेरा ऐसा है कि ये पैसे लेके मैं चली जाती हूँ, तो उसके पीछे की ये पूरी स्टोरी है। नायडू जो है इसके अंदर, उनका मर्डर करने के लिए जो रजनीकांत जी हैं, जो आदित्य मेनन प्ले कर रहे हैं, वो उनके पीछे भाग रहे हैं और वो पैसा लेके मैं भाग जाती हूँ। तो इसके ऊपर ये स्टुपिड सी कॉमेडी, स्लैपस्टिक कॉमेडी है पूरी, जिसको करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है। फिल्म के किस मतलब कब आएगा फिल्म में, ये फिल्म के ये स्टार्ट में ही आएगा ये सॉन्ग, और उसके बाद जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो बाद में स्टार्ट होते हैं, जो कॉमिक एक किरदार ले लेते हैं, मतलब कॉमिक वे में चले जाते हैं। ये स्टार्ट में ही रहेगा सॉन्ग, बिल्कुल ही रॉन्ची सॉन्ग है क्योंकि एक लवर्स की तरह है इसके अंदर, तो ढंग का सॉन्ग है। और सॉन्ग जो गाया गया है शिवानी कश्यप जी ने गाया है, उन्होंने ही कंपोज किया। आई एम वेरी लकी कि सेकेंड फिल्म मेरी और इसके अंदर सेकंड जो मेरा सॉन्ग है उसके अंदर शिवानी, जैसे 5 घंटे में भी शिवानी जी का ही सॉन्ग था जो मेरे ऊपर था, और ये भी सॉन्ग उनके ऊपर है। खैर वो मेरी सेकंड लीड में थी, ये मेरी लीड में, तो आई एम मोर एक्साइटेड फॉर दी डिमांड थी। ऑफकोर्स जब फैसल जी ने ये स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट की थी, इनफैक्ट जब उन्होंने मुझसे ये आइडिया शेयर किया था और उन्होंने बोला था कि कविता आप ही फर्स्ट चॉइस है, मैं चाहता हूँ कि मलिका आप प्ले करें इसके अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई क्योंकि फैसल के साथ काम करना इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट्स अ ऑनर इट्स अ, बिकॉज मेरी फर्स्ट फिल्म जो थी 5 घंटे में 5 करोड़ फैसल जी के साथ ही मैंने की थी, सो आई ओ माई करियर। वैसे ही उन्होंने बोला, मैंने कहा फैसल स्क्रिप्ट सुनाइए नहीं आप, मैं आपकी फिल्म कर रही हूँ। बट जब उन्होंने बताया कि फिल्म का टाइटल मैं हूँ रजनीकांत, और रजनीकांत जी के जितने भी स्पूफ्स हैं वो उसमें सारे यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला कि जब भी आप स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे तो प्लीज़ अलाउ मी कि मैं इसको सुपरवाइज करूँ, स्क्रिप्टिंग के दौरान मैं वहाँ पे रहूँ। एंड ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि हाँ, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम साथ में रहो, तो मैं उनके साथ में ही थी जब ये पूरा स्क्रिप्टिंग कर रहे थे। ये तैयारी कुछ भी नहीं की, जैसे कि मैंने बोला स्टुपिड सी कॉमेडी है ये, इसके अंदर पूरा स्टुपिड कॉमेडी कर रहे हैं हम लोग, तो तैयारी ऐसे कुछ भी नहीं थी। क्योंकि जब स्क्रिप्टिंग कर रहे थे तो जब कैरेक्टर लिखा जा रहा था मेरा, तो फैसल ने कहा था जैसे आप सरकास्टिक, आपका ह्यूमर है ना वैसे ही रहना है इस फिल्म के अंदर, तो आप जैसे हो आप उसको वैसे ही प्ले करो, बस आपका नाम चेंज हो जाएगा मलिका, कविता राधेश्याम का वही प्ले करो, तो मैं वही कर रही हूँ इसके अंदर। और कुछ खास पहली बात तो रजनीकांत जी के नाम की फिल्म बन रही, तो इज अ सुपर स्टार ऑफ इंडिया, तो इतने बड़े स्टार के नाम की सिर्फ फिल्म का जो नाम है वही सबसे बड़ा, सबसे बड़ी बात है। फिल्म का हिस्सा बनने मेरा सौभाग्य में मिला, फैसल भाई ने मुझे याद किया। फिल्म का जो कैरेक्टर है प्लेइंग अ कॉप, पुलिस वाले का रोल है, जो शक्ति कपूर जी के पैसे लेके जाता है, जिसके पीछे फिर मेरी जो फिल्म की हीरोइन है कविता।